ये रिपोर्ट हमने आपको जम्मू जानीपुर जम्मू से दिखाई, जिस रिपोर्ट में आप देख रहे हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा शमशेर सिंह मन्हास जी खुद उन ज़रूरतमंद लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याओं को जान रहे हैं और साथ ही साथ उनको अन्न भी बांट रहे हैं। मैं आपसे भी अपील करना चाहूँगा कि जिस तरह से कोरोना वायरस की महामारी बढ़ती जा रही है और हमारे देश में 21 दिन का के लॉकडाउन का भी आदेश हो चुका है, जिसमें कुछ ज़रूरतमंद लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा समस्याओं में भी रहते होंगे, लेकिन हमारे देश में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इन ज़रूरतमंद लोगों के लिए हमेशा तत्पर रहने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि लगातार कोरोना वायरस का जो कहर है वो बढ़ता जा रहा है और साथ साथ सभी लोग, मीडिया से जुड़े हुए लोग या डॉक्टर्स हों या फिर सरकार से प्रशासन के जुड़े हुए लोग हों, सभी आप सभी लोगों को ये बता रहे हैं कि आप अपने घर पे बैठें, क्योंकि कोरोना वायरस के खिलाफ छेड़ी हुई जंग को सिर्फ हम घर पे बैठकर ही जीत सकते हैं। तो मैं आपको फिर से अपील करूंगा कि आप जो है इन लॉकडाउन के दिनों में अपने घर पे बैठें और जो भी काम हो अपने घर से करें, क्योंकि अगर हम घर पे बैठेंगे तो हम कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई ज़रूर जीत लेंगे। साथ ही साथ आपको हम फिर से याद दिला दें कि आप लगातार अंतराल के बाद घर में हो तो आप लगातार अंतराल के बाद हाथ धोएं, बाहर निकलते हैं तो आप मास्क और रुमाल का उपयोग कीजिए और साथ ही साथ सैनिटाइज़र का भी आप उपयोग कर सकते हैं। तो इसी तरह से हमारे देश में अनेक जगहों पर कुछ ज़रूरतमंद लोग हैं, कुछ गरीब तबके के लोग हैं जहां सरकार और प्रशासन पहुंच नहीं सकती, लेकिन वहां कुछ समाज सेवकों को उठना चाहिए और इस आपदा के बीच उन लोगों की सहायता जो है वो ज़रूर करनी चाहिए। आप देखते रहे जम्मू जोश, किश्तवाड़ से जुड़ी हुई हर एक अपडेट मैं आप तक पहुँचाऊँगा।